बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाबेला जैसे आजकल जो मीडिया सोशल पे चल रहा है कि इशू जानब की मेरा नाम है, मैं डिग्री कॉलेज न्यू सैदाबाद का एक क्लार्क हूँ, सीनियर क्लार्क हूँ। जैसे जफर मीमिन जैसे वापडा का हेस्को का क्लार्क है, जैसे वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आया तो मेरे बच्चे का मुझे फॉर्म जमा कराने गए। प्रिंसिपल ने उसको बिठाया, प्रिंसिपल ने उसको बिठा के उसको बोला तो आप इधर बैठो, आपका फॉर्म मैं भर के दिला के देता हूँ। इंग्लिश का फॉर्म था, एम ए इंग्लिश का। जैसे प्रिंसिपल ने उसको बिठाया तो प्रिंसिपल ने उसको बिठा के उसको बोला आपको मैं फॉर्म भरा के दो। प्रोफेसर शब्बीर चन्नल को बुलाया तो इसको फॉर्म भर के दो। जब इसको फॉर्म भर के दिया तो फिर इसके दो मिनट के बाद बेल बजा, प्रिंसिपल प्रोफेसर ने बोला शब्बीर चन्नल ने तो मुझे सर क्लास लेना है, इसको बोलो 10 मिनट ठहरो, मैं 10 मिनट के बाद मैं उसको सब्जेक्ट लिख के दूंगा। प्रिंसिपल ने उसको बोला तो आप इधर मेरे पास बैठो, आप कहीं नहीं जाना, शब्बीर चन्नल जैसे आएगा आपको फॉर्म भर के देगा। तो वो बाईपास करके प्रिंसिपल को छोड़ के वो हमारे क्लार्क ऑफिस में आया। एक जूनियर क्लार्क हमारा था, वो कामरान राजपूत, कामरान खानदादा था। उसके बाद जैसे आके उसने बोला आप एमए के फॉर्म भरते हो, उसने बोला जी जनाब। उसने उसको बोला मुझे सब्जेक्ट लिखे दो, उसने बोला मेरे को सब्जेक्ट याद नहीं है, आप आधा घंटा ठहरो। एक्चुअली बीएससी बीकॉम के आजकल फॉर्म यूनिवर्सिटी के भरे, कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे रश बहुत थी, 200-400 बच्चे थे। उसने बोला आप इधर के मक्का में लोग हो, आप 10 मिनट ठहरो, आधा घंटा ठहरो। उसने बोला आधा घंटा मैं क्यों ठहरूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका बाप का नौकर हूं, मैं अभी आया हूं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे भर के दो। उसने बोला यार तमीज से बात करो, ये कौन सा तुम्हारा तरीका है, तुम भी खिलाड़ हो, हम भी खिलाड़ गए। फिर उसने माँ बहन पे गाली देना शुरू कर दिया, माँ को दिया, बहन को दिया। जैसे मैंने गालियां सुनी मैं उधर से उसको आवाज दिया, जफरला भाई, जफरला भाई मैं एक्चुअली सैदाबाद प्रॉपर सैदाबाद सिटी का रहने वाला हूँ। मैंने उसको बोला जफरला तू हमारा भाई है, दोस्त है, तुम यार जूनियर खिलाड़ी को क्यों गाली दे रहे हो। उसने बोला तुम कौन होते मुझे बोलने वाला, मुझे मैं तो प्रिंसिपल को गाली दे के आया हूँ, मैं तो प्रिंसिपल को गाली दे के आया हूँ। ये एक्चुअली ये जहनी मरीज है, ये वाकर डिपार्टमेंट भी कहती है, सैदाबाद सिटी के बंदा एक एक कहता है, सब्जी लेने जाता है सब्जी से लड़ता है, फ्रूट वाले पास जाता है फ्रूट वाले से लड़ता है, पूरा शहर तंगे। आप इंक्वायरी कर सकते हैं शहर में, एक बंदे से पूछा ये बंदा मेंटल है या जहनी मरीज है या सीधा है। फिर क्या हुआ, फिर उसने जब मुझे गाली दिया, मैंने बोला जफरला आप गाली नहीं दो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे साई हो, आप हमारे शहर के रहने वाले हो, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मेरा फर्ज नहीं बनता है मैं आपको गाली दूं। फिर इसको मैंने बोला गाली मुझे नहीं दो, उसने मुझे बहुत गाली दी, माँ को नहीं दी, बहन को दी, सबको गाली दी। फिर मैंने बच्चों को स्टूडेंट ने बोला सर आपको गाली ये बंदा क्यों दे रहा है, मैंने बोला यार ये पागल है, पागल इसलिए गाली हमको दे रहा है खिलाड़ियों को, ऐसा करो चलो प्रिंसिपल के पास चलते हैं। फिर एहतियात तौर प्रिंसिपल लेके रोड पे जाएंगे। फिर रोड पे जाने के लिए उसको मैंने थोड़ी धमकी दी, तो ये एक्चुअली बच्ची के लिए ये इससे मेरे को पाव नहीं पड़े, बच्ची के लिए नहीं पड़ता, ये रोजाना कॉलेज जाता है, रोजाना जाता है, एक काम करके जाते है, दो काम लेके जाता है, ये बच्ची के लिए नहीं। जब इसको मैंने बोला अभी रोड पे जाएंगे, तुम्हारे रोड पे फैसला करेंगे, आपका हेस्को वक्त आएगा, चीफ आएगा, एच यू आएगा, एसपी आएगा, डीएसपी आएगा, फिर तुम्हारा हम बंदोबस्त करेंगे। तुम आए फिर हमको गाली देते, क्या हमारी माँ बहने नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम खिलाड़ गए, हम भी खिलाड़ गए, हम सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, हम सिंध हुकूमत के गुलाम है, हम सरकारी मुलाजिम है, किसी के प्राइवेट मुलाजिम नहीं है। जैसे कोई खिलाड़ गए हमको गाली देके चले जाए, खुदारा सिर्फ उसकी सुन रहे है उसकी सुन। फिर जब मैंने उसको बोला मैं रोड पे जाऊंगा तो उसने मुझे बोला आप खुदा के वास्ते रोड पे नहीं जाओ, किसी को नहीं बुलाओ, आपको मैं खुदा के वास्ते, मेरी बच्ची का वास्ते, मेरे बेटे का वास्ते है, वो मेरे पाँव पड़ गया तो आप उधर नहीं जाओ। मैंने बोला मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगा, वो मेरा बड़ा है, वो मेरा मोहसन है, उसको रोड पे लेके जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी मस्तियां खत्म होगी, हमारे को गालियां तुमने दी, हमारी इज्जत है, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहने है, हमारे छोटे खिलाड़ी का जूनियर खिलाड़ी के खानदादा साहब है उसकी भी माँ है, उसकी भी बहने है, क्या हम इज्जत वाले नहीं है, हम समाज के बच्चे नहीं है, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है, क्या सिर्फ उसकी इज्जत है जो हमको गालियां दे। हम जब उसने मेरे को पांव पकड़ा कि प्रिंसिपल के पास नहीं जाओ, मैंने बोला मैं जाऊंगा प्रिंसिपल। फिर इसने अपने बंदे लेके आया था, ये मुझे आज क्लियर हो गया है ये साजिश है, खुदा की कसम ये साजिश है। जैसे इसने पांव पड़ा किसी ने क्लिप कर दिया, भर दिया मूवी, जब क्लिप भर दिया मैं प्रिंसिपल के पास भाग रहा हूं, ये देखो मेरी वीडियो देखो, मैं इसको उठा रहा हूं,
जफला भाई उठो, आप प्रिंसिपल पास जाओ, प्लीज मेरे पाँव नहीं पढ़ो, खुदा के वास्ते मेरे पाँव नहीं पढ़ो, आप प्लीज जनाब अला मेरी जो मेरी सुन रहे बात, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, वजीर अला हो, जरदारी साहब हो, बिलावल हो, ऐसा हमारे को इंसाफ दो, हमारे को अदलिया को इंसाफ दो, हमको हमारे को इंसाफ दो, हम भी इंसान है, हम भी सिंधी है, हम भी पाकिस्तानी है, हमारी भी माँ बहनी है। और दूसरी बात, जैसे जफरला मिमिन ने मेरे से माफी मांगी, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए, कुछ दोस्त आए, कुछ क्लार्क आए, तो उसने कहा तो यार अभी वो माफी मांग रहा है, आप वो देखो जो से वो इतने मेरे पाँव पकड़े हुए, मैं उसको उठा रहा हूँ, अब वो भी देखो, अब वो भी देखो, मैं इसको उठा रहा हूँ। सफला प्रिंसिपल साहब चाहे वो हमारे बॉस वो है, अब मेरे से माफी नहीं मांगो, कल मेरे लिए आप फिल्म पैदा करो, तो भाई मैंने इसको माफ नहीं किया, इसको ये किया, इसको वो किया, आपने मैंने उसको उठाया है, उठो उठो उठो, मैंने आप वो भी सुनो, तो मैंने उसको क्या कहा है, हम किलाड़ की हमारी इज्जत है, हमारे इदारे की इज्जत है, आप भी वापदा के किलाड़ को हमारे भाई हो, आप हमें बेइज्जती क्यों कर रहे हो। दूसरी बात फिर उसने मुझे उधर मेरे कॉलेज में मैंने उसको माफ किया, रात को 9 बजे मेरे घर पे छोटी मेरी बैठक है, उधर चार शहर के मौजूद अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको मैं मिलाऊंगा, शायद है आप चार शहर के मौजूद उसको लेके आ, तो जानू किलो को मैंने तकलीफ दी है, वो मेरे बच्चों की इज्जत करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरे छोटे बड़े दोनों में मदद करता है, काम आता है, मेरे को तकलीफ हुई है, उधर महसूस करके मेरे जगह पे आया वो चार बंदे के पास, उधर भी मेरे पाँव पकड़े, मैंने बोला अभी मेरे पाँव नहीं पकड़ो, आप मेरे तले पे आए, मेरे ओताक पे आयो, हमारे सिंधी की रवायत हम माफ कर देते। मैंने दरगुजर किया, उधर मैंने चाय पिए, उधर मैंने बिस्किट खाए, उधर मैंने केक खिलाया मैंने उसको, फिर गले मिलाए, इज्जत से मिले, उसने आखिर में मेरे बादाम खिला के फिर केक खाया, चाय पिए, मैं चाय पीऊंगा, आपकी खाना खिलाऊ, आपको मुझे खाना भी खिलाओ, मैंने बोला मैं आज खाना नहीं खिलाऊंगा तेरे, मैं खाली चाय पिलाऊंगा, केक खिलाऊंगा, बादाम खिलाऊंगा, वो मैंने बादाम खिलाया, उससे पूछो वो मैं, ये चार अच्छे इज्जत भरे सैदाबाद के शहर के मौजूद है, वो भी शायद है, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर मैंने उसको माफ किया है, इसका वो था जुमेरात की शाम को मेरे घर पे आया था, फिर हफ्ते को छोड़ के इतवार को ये चला टोटका चला, इसका माफी वाला इसमें खुद भरवाई थी, ये प्लानिंग थी, मैं एक इज्जत भरे किलाड़ हूँ, मेहरबानी करो। और दूसरी बात, फिर दूसरे दिन ये जो चला क्लिप चला, फिर मुझे मिनिस्टर ने बुलाया, मिनिस्टर ने भी मेरे साथ वो हशर किया, न सुना न पूछा, मैं अभी वो मेरे क्लिप चल रहे है, सारी क्लिप मेरे चल रहे है, वो सुनो, मेरी मजलूम किलार की वो भी सुनो, उसको भी नजरसानी करो, मैंने प्रेस किए मिनिस्टर के गेट के बाहर, मैंने प्रेस किए तब किए, जो मेरे को मिनिस्टर ने कहा तुम दादागीर हो, तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, मुझे तू गुंडा हो, तुम मुझे उसने माँ पे गाली दिया, मुझे उसने बहन पे गाली दिए, सेक्रेटरी बैठा हुआ है, सारी दुनिया बैठी हुई है, वो चोर जो बैठे हुए थे, जिसको बुलाया वो उस कुर्सी में बैठे हुए, मैं इसका बच्चा था, उसका मैं बेटा था, उसने मुझे खड़ा होके बेइज्जती जलील किया, खुआर किया मुझे, मैंने उसको बोला कुरान बीच में रखो, मिनिस्टर साहब आप मुसलमान हो, आप हमारे सिंधी वजीर हो, आप हमारे सिंधी कौम का नुमाइंदे हो, कुरान बीच में रखे मेरी बात सुनो, इसकी भी बातें सुनो, मेरी भी बातें सुनो। उसने मुझे बोला उल्लू के पट्टे तू झूठा हो, तू कुरान उठाते झूठे हो। मैंने बोला अगर मैं झूठा हूं तो मेरा प्रिंसिपल बैठा हुआ है, उससे कुरान उठवाओ। उसने मेरी कुछ नहीं सुनी, जैसे सिंध का वडेरा होता है ना, सिंध का वडेरा जबरी फैसला करता है। उसने बोला जो मैं कहूं वो करो। मैंने बोला मैं एक छोटा किलारक हूं, मजलूम हूं, तुम क्या कहना चाहते हो। उसने मुझे कहा तू इसको अभी मैं तेरे तब माफ करूंगा, मैं तब तेरे मैं नौकरी रोजी पर रखूंगा, इससे माफी मांगो। मैंने बोला सर एक क्या 10 सेकंड में माफी मांगूंगा, आप मेरे मोहसन हो, आप मेरे बड़े हो, आप मेरे मिनिस्टर साहब हो। जब मुझे अफसोस हुआ इसने मेरी बेइज्जती करवाई, मैं इसका बच्चा था, वो वादा हैस्को का किलारक था, मैं बड़ी उम्मीद करके गया था, तो मेरे बड़े ने मुझे बुलाया, मेरी दाद फिराद सुनेगा, मेरे को पता नहीं था ये वडेरा है, ये मिनिस्टर नहीं, ये वडेरा है। उसने मेरी बेइज्जती की है, मुझे गालियां दी है, उल्लू का पट्टा का है, गड्ढे का बच्चा का है, कुत्ता का है,
بشری کا ہے دادا گیر کا ہے سلطان راہی کا ہے مصطفیٰ قریشی کا ہے میں مصطفیٰ قریشی نہیں ہوں میں سلطان راہی نہیں ہوں میں ایک عزت بھرا شہری ہوں میری کوئی عزت ہے منسٹر صاحب میری کوئی عزت ہے آپ کیا سمجھتے ہو آپ نمائندے ہو عوام کے ہم بھی عزت والے ہیں ہم نے آپ کو چن کے ادھر بھیجے ہیں آپ اپنے گھر کے ووٹ لے کے نہیں آئے میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے دنیا نے ووٹ دیا ہے سندھ نے ووٹ دیا ہے آپ تو بولتے ہیں ہم تو سندھی ہیں ہم سندھ کے رکھوالے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے محترمہ بینظیر بھٹو اس طرح نہیں کرتی تھی جس طرح آپ لوگ کرتے ہو اس کے خون کے آپ پیسے لیتے ہو آپ غلط کام کرتے ہو آپ وڈیرے کو اوتار چلا رہے ہو آپ مجھے بےزتی کیے خدا کا قسم ہے آپ نے میری بےزتی نہیں کی ہے آپ اپنی بےزتی کی ہے دوسری بات جب مسلمان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے میں مسلمان ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا یہ کوئی جج نہیں ہے یہ کوئی جج نہیں ہے جج بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے چوری کرتا ہے جج کو پتا ہوتا ہے یہ چور ہے تب بھی اسے قرآن اٹھاتے ہیں بھائی سچ بتاؤ سچ کیا ہے افسوس کی بات ہے یہ جج سے بھی جج صاحب بھی انصاف کرتے یہ جو جج صاحب سے بیکار نکلا یہ بیکار نکلا جو میری بات اس نے نہیں سنی جج صاحب انصاف کرتا ہے یہ تو انصاف کا اس کے بعد ذرا بھی نہیں تھا موقف اس نے میری بےزتی کی ہے ادھر دشمنوں کو میرے دشمنوں کو ہنسایا ہے منہ میں چیگم تھا یہ منسٹر تھا یا چیگم تھا چیگم پھونک پھونک کے بچوں کی طرح میرے سے بات کر رہا تھا مجھے افسوس ہے میرے کو دکھ ہوا ہے سندھ کے ایسے منسٹر ہوں گے سندھ کے ایسے منسٹر ہوگی ہماری قوم کا کیا ہوگا ہمارے تعلیم کا تباہی ہوگا یہ میرے اوپر الزام ڈالتا ہے یہ میرے بولتا ہوں یہ گھنڈا ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے گھنڈا میں نہیں ہوں گھنڈا وہ ہے جس طرح اس نے میری بےزتی کی ہے وہ گھنڈا وہ ہے میں نہیں ہوں افسوس کی بات ہے جب یہ نواب شاہ کی ہماری بہن نواب شاہ کی ہماری بہن یہ بولتا ہے میں تعلیم کو سدھار رہا ہوں آج بتا اس کو 2 مہینے ہو گئے 1.5 مہینے ہو گئے اس کا کیا اس نے کیا ہے ہماری بہن کو لیکچرار نے ایک اردو اسپیکنگ پنجابی نے اس کو کیا حشر کیا ہے اس کو انصاف ملا وہ ہماری بہن تھی سندھ کی نیانی تھی محترم کی رہنے فردانہ جمالی اگر تم منسٹر ہوتے سندھ کا سپوتا ہوتا تو اس کے کٹڑے پہ جو فردانہ جمالی کا جو مجرم تھا اس کو آپ آج پھانسی پہ چڑھاتے لاک اپ کرتے ہم آپ کو سلوٹ کرتے یہ ہے ہمارا منسٹر سندھ کا آپ تو منسٹر نام کر رہے ہیں منسٹر اس طرح نہیں ہوتے منسٹر عدلیہ ہوتا ہے ہمارے بڑے ہوتے ہمارے سنتے ہمارے سننے والے ہوتے آپ نے ہمارا ذرا نہیں سنا آپ نے ہماری بےزتی کی ہے ہمارے آپ نے ہم کو گالیاں دیا ہے بدتمیزی کی ہے آپ اگر انصاف والے منسٹر ہو تو پہلے نواب شاہ کی بچی کا انصاف کرو میں نے تو یہ ظفرلا میمن کا میں نے اس کو نہیں بولا میرے سے معافی لو یہ کالج گواہ ہے سارے اسٹاف گواہ ہے پرنسپل گواہ ہے سارے آج دوسری میں آپ کو بات بتاؤں دوسری بات منسٹر ہو کے عوامی نمائندہ ہو کے مجھے دھمکیاں دیتا ہے میں تیرے اوپر 10 FIR کٹواؤں گا میں نے بولا صاحب میں نے آپ کا کیا قصور کیا میرے اوپر 10 FIR کٹواؤں میں آپ کا تو بچہ ہوں اس نے بولا چپ کرو دلے گالیاں دیے دلے چپ کرو میں نے بولا میرے اوپر آپ 1 FIR تو کٹواؤ کائے کی کٹوائیں گے اس نے بولا میں تمہاری میری آفس کی کرسیاں پھینک دوں گا جلا دوں گا تیرے اوپر 1 FIR کٹاؤں گا میرے گھر کی ڈھکیلی ڈال کے تیرے اوپر 1 FIR کٹاؤں گا تو سید آباد نہیں پہنچا تو ایس پی اندر ڈال دے گا خدا نہ اسے ظالم منسٹر کو ہٹاؤ میرا بھی احتجاج ہے میں بھی انسان ہوں میری کوئی عزت ہے اگر میری عزت نہیں ہے تو ظفرا کی پھر کائے کی عزت ہے دوسری بات میں ابھی آخری 2 لفظ کہوں گا میں جناب چیف جسٹس کو خدا را میں اس میں امید سمجھتا ہوں بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں اس کو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے آخری ہمارا یہی ہے آخری موقف چیف جسٹس کو اپیل کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ کو اپیل کرتا ہوں خدا را میرا انصاف کرا کے دو ایسے بدماش چیف منسٹر ایجوکیشن منسٹر کو تیلی منسٹر کو سردار شاہ کو اس کو بلا کے میرے کو بلا کے ظفر اللہ کو بلا کے قرآن پہ رکھ کے بات میرے ہم سے پوچھو اس نے میرے سے زیادتی کیوں کی ہے میں آخر چیف جسٹس کو اپیل کرتا ہوں خدا را آپ میرے سے نوٹس لے لے اس چیز کا نوٹس لے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میرے بچے آپ کو